शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तू मुझे एक सिंपल बात बता, ऐना के लिए तूने काजल को छोड़ दिया, क्या तू काजल के लिए ऐना को छोड़ सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया। काजल के लिए मेरे दिल में जज्बात जरूर है, लेकिन ऐना मेरा प्यार है। There you go. इसमें कंफ्यूजन क्या? You're right भैया, काजल को मैं डिवोर्स दे चुका हूं, वो मेरा गुजरा हुआ कल है और ऐना मेरा आने वाला कल, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। Hi ऐना। Hi baby। कैसी हो तुम? I missed you so much. I missed you too. Welcome sir. Thank you. So ये मेरे बड़े भैया डॉक्टर प्रणव। हेलो। हेलो। और ये ऐना के ग्रैंडफादर, और ये ऐना। नमस्ते। नमस्ते। बेटा तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए? वो हमारी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, तो शादी होने के बाद मुंह दिखाई की रस्म होगी। अच्छा ठीक है। आरव, I'm so happy to be here. ऐना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आरव? सच छुपाने और झूठ कहने के बीच कुछ तो फर्क होता है ना? हाँ, लेकिन तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने तुमसे एक सच छुपाया है। मेरी एक दोस्त है काजल, मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह है? एक पल के लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। एक पल के लिए मैंने भी तुम्हें गलत समझा, फिर सोचा कि डिवोर्स तो तुम मेरे प्यार की खातिर ले रहे हो, मुझसे रहा नहीं क्या? आरव, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और हमेशा रहूंगा। एक वादा करो, फिर तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी? कभी नहीं, हमेशा ऐसे ही तुम्हारे सीने से लगी रहूंगी। आरव, एक बात कहूं? कहो। मुझे काजल से मिलना है, मिलवाओगे? ऑफ कोर्स। आरव, यूं ही खड़े रहोगे या काजल से इंट्रोड्यूस भी करवाओगे? सॉरी काजल, ये है। और कौन हो सकती है? हाय, आओ बैठो। कम। कैसे हो आरव? ऐना, मुझे कुछ काम था, तुम काजल से बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ओके। काजल, हाँ, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुमसे तुम्हारा आरव छीन लिया है? नहीं आना, जब वो मेरा कभी था ही नहीं तो छीनना कैसा? आरव ने मेरे साथ अपनी जिंदगी का ना कोई गम बांटा है, ना कोई खुशी। हमारी शादी दो दिलों का मिलन नहीं, दो परिवारों का समझौता था। आरव ने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। काजल, जब किसी लड़की का घर टूटता है तो हमेशा कोई दूसरी लड़की उसकी जिम्मेदार होती है, और इस गिल्ट के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती कि तुम्हारा घर तोड़कर मैंने अपना घर बसाया। मैं तो उस रिश्ते का दामन थाम कर बैठी रही जो हकीकत में कभी था ही नहीं। काजल, आरव कह रहा था कि तुम्हारी कोई फैक्ट्री है। तुम्हारी जैसी बड़ी फैक्ट्री नहीं,
एक छोटी सी फैक्ट्री है. It's so nice to see an independent young girl. एक लड़की का अपने पैरों पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है. इतने छोटे से शहर में रहने के बावजूद भी तुम्हारे आइडियाज कितने प्रोग्रेसिव हैं. आई एम टोटली इम्प्रेस्ड. तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. फ्रेंड्स नाउ? फ्रेंड्स. मैं यहाँ के रिवाजों से वाकिफ नहीं हूँ. दुल्हन का श्रृंगार बिल्कुल नहीं जानती. काजल, तुम मेरी मदद करोगी? तुमने मुझे दोस्त माना है तो मैं अपने दोस्त की मदद जरूर करूंगी. मैं तुम्हें सजाऊंगी आना, लेकिन मेरी एक शर्त है. मैं तुम्हें अपने सुहाग के गहनों से सजाना चाहती हूँ. आरव, काजल मुझे सजाएगी. हाँ, सुना मैंने. चले अब. बाय काजल. बाय. काजल, तुझे पता है तू क्या करने जा रही है? तू अपने ही हाथों से अपने ही प्यार की अर्थी सजाने जा रही है. तू नहीं कर पाएगी ये सब कुछ. अरे पगली, तूने तो आरव को खुद से ज्यादा प्यार किया है. तू मर जाएगी काजल. मेरी बात मान, तू यहाँ से चली जा. हाँ, मैं अपने आप से भागकर कहाँ जाऊंगी भाभी? यहाँ का हर पेड़, हर पत्ता मेरे प्यार का गवाह है. हर सड़क, हर पगडंडी के साथ मेरे प्यार का रिश्ता है. यहाँ के बादल और बरसात ने मेरे प्यार को निभाया है भाभी. और कल जब मैं वापस लौट कर आऊंगी, ये सब मुझसे चीख चीख कर पूछेंगे कि जब हम तेरे प्यार की अर्थी उठते देख रहे थे तो तू कहाँ चली गई थी काजल. नहीं भाभी, मैं अपने प्यार की अर्थी को अपने हाथों से सजा कर विदा करूंगी. फेरों के लिए खड़े हो जाइए. फेरों का शुभारंभ कीजिए. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरि सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये. रुकिए. अरे भाई, ये शादी नहीं हो सकती. हा? ये शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है. क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने काजल से पेपर्स पे साइन करवाकर खुद आपके ऑफिस छोड़े. भाई, तुमने काजल से तो साइन करवा लिए, लेकिन खुद साइन करना तो भूल गए ना? आपका मतलब ये डिवोर्स हुआ नहीं अब तक? जी, अब तक तो नहीं हुआ. एक मिनट वकील साहब, अगर इन पेपर्स पे अभी साइन हो जाए तो डिवोर्स हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा. मैं किस मर्ज की दवा हूं? पेन. पेन? 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 पेन प्लीज. व्हाट नॉनसेंस, इतने सारे लोग हैं, किसी के पास पेन ही नहीं है? मम्मी, ये लो. नहीं. पेन. Mm-hmm.
ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि तुम ये पेपर साइन करो। आज मुझे पता चला है कि सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं। याद है वो जिप्सी टेम्पल? उस कुकी पे लिखा था कि आज तुम अपनी किस्मत से मिलोगे। सच लिखा था, सिर्फ हमें समझने में थोड़ा वक्त लगा। आरव, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो तुम काजल को डिवोर्स देने नहीं आते, और ना ही तुम्हें यह एहसास होता कि तुम काजल को चाहते हो। मैं तो तुम्हें काजल तक पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया थी। काजल इज योर डेस्टिनी। और तुम्हें क्या लगा तुम उन पेपर्स पे साइन करना भूल गए? नहीं, ये किस्मत का फैसला था। कई बार हम अपनों को खोकर ही अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि काजल अब भी तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। उसे जाने मत दो, उसे रोक लो। जाओ यहां से, जाओ। कुछ मत कहना वरना मैं टूट जाऊंगी। जाओ यहां से, जाओ। नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकता। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसे जाने दो, उसकी मंजिल कहीं और है। आरव से मेरा मिलना एक इत्तेफाक था, लेकिन उसे पाना मेरी किस्मत में ही नहीं। उसने तुमको धोखा दिया है। नहीं, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। नहीं, नो ग्रैंडपा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आरव लव्स मी अ लॉट, इट्स जस्ट दैट ही लव्स काजल अ लिटिल मोर। मुझे मालूम था तुम यही होगी। तुम यहां क्यों आए हो? तुमसे कुछ पूछने आया हूं। पूछो। तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों किया? तुम्हें ने मजबूर किया था। तुम मना भी तो कर सकती थी। कैसे मना करती? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हीं ने कहा था। अरे मेरे कहने से क्या होता है? इधर देखो, एक बात बताओ काजल, बचपन में तुम्हें साइकिल पे कौन घुमाया करता था? तुम्हारे साथ कच्चे आम कौन खाता था? तुम। बरसात में तुम्हारे साथ घंटों कौन भीगता था? तुम। तुम्हारे सपनों में कौन आता था? तुम। अगर मैं ये सब कुछ करता था तो तुमसे प्यार भी तो करता था। देखो, आज मैं अपनी शादी का मंडप छोड़कर तुम्हारे पास आया क्योंकि आज मुझे एहसास हो गया तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। काजल, जल्दी से मुझे किस दे दो। नहीं, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। नहीं, आज मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। मैं देखना चाहता हूं तुम इतनी अच्छी किस देती कैसे हो।